हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर, माय सेल्फ मनीष। तो यहाँ लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है जो हम लोग ने डिटेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है उसमें ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? स्पार्क चैम्बर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। देखो, छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। इसका डायग्राम बनाएंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे, इसको थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, फिर उसका डायग्राम बनाते हैं। तो हेडिंग हो गया स्पार्क प्रकोष्ठ, स्पार्क चैम्बर। ठीक है, तो जो भी जो ऊर्जा युक्त आवेशित कण हैं, जैसे कि अल्फा कण हो गया या फिर मेसान, पाई मेसान, ठीक है, ऐसे कणों के डिटेक्शन के लिए इस डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जो भी जो ऊर्जा युक्त आवेशित कण हैं उनके डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो एकदम इजी सा है, पहले इसका प्रिंसिपल पहले क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मान लेते हैं एक कोई एक चैम्बर है, या देखो चैम्बर को ही प्रकोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रकोष्ठ है या फिर एक बॉक्स है समझ लो, उसके अंदर में हम लोग गैस भर देते हैं और क्या करते हैं, उस प्रकोष्ठ के अंदर बहुत सारे हम लोग समांतर वहाँ पे हम लोग प्लेट लगाते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट लगाते हैं और क्या करते हैं, उन प्लेटों को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और जो कि बहुत ही पास पास रहते हैं, ज़्यादा दूर में नहीं रहते, पास पास रहते हैं और समांतरकारी रहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्लेट हो गया, इसके बगल में एक दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पे प्लेट लगाते हैं और क्या करते हैं, उन प्लेटों को हम लोग विभवांतर देने के लिए बैटरी से जोड़ देते हैं। नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग विभवांतर प्रोवाइड कराएंगे तो जो वो प्लेट है उनके बीच में विद्युत क्षेत्र में कोई स्पार्क जनरेट नहीं होता। स्पार्क मतलब चिंगारी समझ सकते हो, ठीक है, हिंदी में क्या होगा, चिंगारी, जो हम लोग जान देखते हैं जो भी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई भी चिंगारी या फिर जो कोई भी स्पार्क उत्पन्न नहीं होता नॉर्मल स्थिति में। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी आवेशित कण या फिर जो भी ऊर्जा युक्त जो कण है वो उस प्रकोष्ठ में जब इंटर करेंगे, तब क्या होता है, जब वो इंटर करेंगे तो जो उस प्रकोष्ठ में जो गैस उपस्थित है उस गैस से वो इंटरेक्ट करेगा जो आवेशित कण है, तो वो उस गैस के जो परमाणु है उनको विभक्त कर देता है धन आयन और ऋण आयन में, मतलब उनका बेसिकली आयनन कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है, आयनन कर देता है तो जो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र है या फिर जो वहाँ पे प्लेट है उनके बीच में स्पार्क जनरेट हो जाता है या फिर चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। नॉर्मल स्थिति में नहीं हो रहा था, लेकिन जब आवेशित कण वहाँ पे इंटर किया तो आयनन हो जाता है, जो भी परमाणु है उनका, तो धन और ऋण आयन बन जाता है वहाँ पे। तो होता क्या है, वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसमें स्पार्क जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो स्पार्क रहता है वो उसी मार्ग का अनुसरण करता है या उसी मार्ग में जाता है जिस मार्ग में जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो स्पार्क उस मार्ग से जा रहा है, इसका मतलब कि जो धन आयन या जो ऋण आयन है वो भी उसी मार्ग से ही जा रहा होगा, मतलब जिस मार्ग से जो धन आयन ऋण आयन जा रहे हैं उसी मार्ग से ही जो स्पार्क है वो भी जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे कैमरा लगा देते हैं, कैमरा से क्या होता है, जो भी यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ है उसका वो फोटो ले लेता है कैमरा, तो फोटो ले लेता है तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जो स्पार्क है वो किस मार्ग से जा रहा है, और उसी मार्ग से जाता है जिस मार्ग से जो आवेशित कण है या जो ऊर्जा युक्त जो कण है उनका जो धन आयन और ऋण आयन है वो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इस डिटेक्टर्स को बनाया गया था। तो देखो ये हो गया प्रिंसिपल, अब बात करते हैं इसकी संरचना और कार्यविधि की, एकदम इजी सही है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका संरचना बनाता हूँ, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे रहता है, बेसिकली इसका ऑपरेटर्स बनाते हैं किस टिप से इसका वर्क रहता है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, चाहो तो मैं मतलब यहाँ पे मैं दिखा सकता था लेकिन कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाता है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं तो अभी जो बुक में डायग्राम बना है उसी का ही बना रहा हूँ। आप लोग गूगल में जाके एक बार स्पार्क चैम्बर लिखना, वहाँ पे ओरिजिनली जो उसका जो डायग्राम है ना या फिर जो डिवाइस है वो वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, मैं कॉपीराइट इशू के नाम से यहाँ पे नहीं दिखा सकता, तो अभी जो बुक में डायग्राम बना है उसका मैं यहाँ पे शो कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टिप से इसका डायग्राम रहता है स्पार्क चैम्बर का। ठीक है, ये ऑपरेटर इसमें दिख रहा होगा ऑपरेटर्स, अब क्या क्या इसको बारी से समझते हैं। तो देखो इसमें एक प्रकोष्ठ होता है या फिर एक चैम्बर होता है, इसके अंदर में बहुत सारे यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्लेटें या फिर पीतल की प्लेटें लगाई जाती है, जो कि बहुत ही कम दूरी पर लगाई जाती है, मतलब दो प्लेटों के बीच का जो दूरी है बहुत ही कम होता है, लगभग मिलीमीटर के आसपास रहता है, मिलीमीटर पर समझ सकते हो, एक सेंटीमीटर के में मतलब एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसके
मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर में 10 वहाँ पर प्लेट वहाँ पर उपस्थित होंगे, ऐसा समझ सकते हो। तो इतने पास पास में यहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर पीतल की प्लेटें लगाई जाती है। और क्या करते हैं, इस प्रकोष्ठ के अंदर में वायुमंडलीय दाब या फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर में हम लोग क्या कर देते हैं, नियॉन गैस यहाँ पर भर देते हैं। और क्या करते हैं, इस जो ये जो प्रकोष्ठ है या फिर जो चैम्बर है, इसमें ये जो एल्यूमिनियम की जो प्लेटें हैं उसमें प्रथम प्लेट, तृतीय प्लेट और ये पंचम प्लेट और ये सप्तम प्लेट, मतलब फर्स्ट प्लेट, थर्ड प्लेट और फिफ्थ प्लेट, मतलब जो भी ऑड वाले प्लेट हैं वो सब प्लेट को एक कनेक्ट करके हम लोग उसको ग्राउंडेड कर देते हैं, मतलब भू संपर्कित कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और जो भी इवन वाले प्लेट हैं, जैसे कि ये दूसरा, ये चौथा, ये छठवा, इन प्लेटों को एक डीसी पल्स जनरेटर से कनेक्टेड कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो डीसी पल्स जनरेटर है इससे हम लोग विभवांतर प्रोवाइड करते हैं जो कि 10 किलो वोल्ट, मतलब 10 किलो वोल्ट तक का वहाँ पे विभवांतर प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एक डीसी पल्स जनरेटर वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये समझ में आ गया। और क्या करते हैं, ये जो प्लेटें हैं, जो इवन वाले प्लेट हैं, उनको एक मार्जक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्लियरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, उसके साथ जोड़ देते हैं। इसका यूज़ क्या रहता है, इसका यूज़ ये रहता है कि जैसे एक काउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक बार आया, उसके बाद जो भी वहाँ पे पल्स काउंट हुआ, उसके बाद उसको पूरा क्लियर किया जाता है, वहाँ पे कोई भी एक सिंगल आयन भी वहाँ पे नहीं बचना चाहिए, जब सेकेंड के बाद उसको काउंट करना रहता है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होंगे उनमें जो भी आयनन उपस्थित रहेंगे वो पूरा क्लियर हो जाता है, फिर से सेकेंड बारी में क्या किया जाता है, पल्स को काउंट किया जाता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कौन कौन ऑपरेटर्स क्या क्या है, ठीक है। अंदर में नियॉन गैस भरा जाता है और जो भी जो इवन वाले हैं उनको एक डीसी पल्स जनरेटर से जोड़ दिया जाता है, जो भी ऑड वाले हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया जाता है। और ये जो प्लेट लगाई रहती है ये बहुत ही कम दूरी पर क्या होते हैं, एल्यूमिनियम की प्लेटें होती है, समझ में आया। तो अब बात करते हैं इसके वर्किंग का, तो वर्किंग मेरे ख्याल से जनरली समझ में आ गया होगा। क्या होता है वर्किंग में, हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, डीसी पल्स जनरेटर से बहुत ही कम समय के लिए या फिर 0.5 माइक्रोसेकंड के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 10 किलो वोल्ट का विभवांतर प्रोवाइड करते हैं। तो ये विभवांतर प्रोवाइड करेंगे तो ये जो प्लेटें लगी हुई है इनमें क्या होगा, विभवांतर आ जाएगा, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे, चूंकि ऑलरेडी पहले से ही नियॉन गैस भरा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान लो कोई ऊर्जा युक्त कण आ रहे हैं, चाहे वो अल्फा कण हो गया या फिर जो पाई मेसान है, वो सब यहाँ से इंटर करेंगे, तो अब क्या होगा, अब ये ऊर्जा युक्त कण है तो यहाँ पे जो भी नियॉन गैस के परमाणु है उनके उनको क्या कर देगा, वो आयनित कर देगा, मतलब प्लस और माइनस में विभक्त कर देगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी गैस है वो लोग गति करना स्टार्ट, मतलब वो जो भी आयनन है वो क्या करेंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे और स्पार्क उत्पन्न करेंगे। स्पार्क उत्पन्न कर रहे हैं तो जो स्पार्क उत्पन्न हो रहा है वो जो आयनित कण है, मतलब प्लस और जो माइनस आयन है, वो जहाँ जहाँ जिधर जिधर जाएगा उधर उधर क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे जो आयनन कण है वो जाएगा, वैसे वैसे स्पार्क भी उसी मार्ग पे क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न होते जाएगा, जिससे क्या करेंगे वहाँ पे एक हमको उसका मार्ग पता चल जाता है, पथ का मार्ग पता चल, मतलब पथ पता चल जाता है कि किधर जा रहा है जो भी आयनन कण है। तो यहाँ पे एक कैमरा लगा रहता है, कैमरा जैसे यहाँ पे ऊपर में लगा देंगे या फिर बगल में जहाँ जिधर भी लगाना है लगा देते हैं, तो क्या होता है, जैसे वो स्पार्क दिखाई देना स्टार्ट होता है, उसका रास्ता पता चलता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर एक फ़ोटो खींच लेते हैं, कैमरा पर फोटो खींच लेते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि स्पार्क किधर किधर गया हुआ है। अब जिधर जिधर स्पार्क जा रहेगा उधर हमको पता चल जाता है कि जो आयनन कण है या फिर जो आवेशित कण है वो गमन कर रहा है, वो वहीं वहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, स्पार्क चैम्बर में जो भी आवेशित कण है उसका डिटेक्शन किया जाता है। और एक कंडीशन और ये रहता है कि जैसे जैसे मान लो एक पूरा पल्स काउंट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी स्पार्क उपस्थित नहीं रहना चाहिए, पूरा उसको खाली करना रहता है, आयनन जो भी वहाँ पे उपस्थित है, चाहे वो सिंगल एक ही वहाँ पे प्लस माइनस का जोड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी पूरा खाली करना पड़ता है, मतलब उसको पूरा क्लियर करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे एक मार्जक क्षेत्र क्लियरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, जो क्या करता है, पूरा उसको पूरा खाली कर देता है। फिर नेक्स्ट जब आता है यहाँ पे आवेशित कण तो उसको वो डिटेक्शन कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया चलते रहती है और जो भी हम लोग को आवेशित कण है उनका डिटेक्शन वहाँ पे होते रहता है, तो पता चल जाता है कि वो कौन सा कण है, चाहे वो अल्फा है कि पाई मेसान है, ठीक है, तो ये सब पता चल जाता है। तो इस प्रकार से ये स्पार्क चैम्बर वर्क करता है, एकदम छोटा सा ही है, समझ में आ गया होगा, बेसिक सा है एकदम, ठीक है। तो
इतना ही था इस लेक्चर में। अब देखो क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक और डिटेक्टर्स बच गया, न्यूक्लियर इमल्सन, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेंगे, फिर ये पूरा डिटेक्टर्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो इसका जो पार्ट सेकेंड है बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक था, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।